नमस्कार, मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी को मेरी और बीसीएन की संपूर्ण टीम की ओर से बीसीएन न्यूज के बरकत दिवाली के तहत बलि प्रतिपदा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली पूजा से अगले दिन कार्तिक प्रतिपदा के दिन बलि प्रतिपदा का उत्सव मनाया जाता है। इसे बाली पूजा भी कहा जाता है। आज के दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण और गिरिराज जी को समर्पित है। दानवराज बाली का आशीष पाने के लिए बाली पूजा करने का विधान है। दक्षिण भारत में राजा बलि की पूजा ओणम के दौरान की जाने का विधान है। उत्तर भारत में बलि की पूजा कार्तिक प्रतिपदा पर होती है। सन कुमार संहिता के अनुसार वामन रूपधारी भगवान विष्णु जी ने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक 3 दिनों में दैत्यराज बलि से संपूर्ण लोक पाताल जाने पर विवश किया था। सर्वस्व ले लेने के पश्चात भगवान वामन ने बलि से इच्छित वर मांगने को कहा, तो बलि ने लोक कल्याण के लिए यह वर मांगा कि प्रभु, आपने मुझसे 3 दिन में 3 लोक ग्रहण किए, अतः मैं चाहता हूँ कि उपर्युक्त 3 दिनों में जो प्राणी मृत्यु के देवता यमराज के उद्देश्य से दीपदान करे, उसे यमयातना का भाग न बनना पड़े और उसका घर कभी लक्ष्मी विहीन न हो। तब श्रीमन्नारायण ने राजा बलि के कथन को स्वीकार किया। तभी से दीपोत्सव पर्व मनाने का प्रचलन प्रारम्भ हुआ। इस पर्व से युगो युगो का इतिहास जुड़ा है। देव और दैत्य के युद्ध में दैत्य पराजित होने लगे थे। पराजित दैत्य मृत एवं आहतों को लेकर अस्तांचल चले जाते हैं, तथा दूसरी ओर दैत्यराज बलि इंद्र के वज्र से मृत हो जाते हैं। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से बलि और दूसरे दैत्य को भी जीवित एवं स्वस्थ कर देते हैं। राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, तथा अग्नि से दिव्य रथ बाण अभेद्य कवच पाते हैं। इससे असुरों की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। तब इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। भगवान विष्णु उनकी सहायता करने का आश्वासन देते हैं और वामन रूप में माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन देते हैं। दैत्यराज बलि द्वारा देवों को पराभव के बाद ऋषि कश्यप कहने से माता अदिति पयोव्रत का अनुष्ठान करती है, जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। तब विष्णु भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन माता अदिति के गर्भ से प्रकट हो अवतार लेते हैं, तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। वामन रूप में भगवान एक पग में स्वर्ग आदि उद्धव लोकों को और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लेते हैं। वामन के तीसरे पैर रखने के लिए स्थान कहाँ से लाए, ऐसे में राजा बलि अपना सिर भगवान के आगे कर देते हैं और कहते हैं, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ठीक वैसे ही करते हैं और बलि को पाताल लोक में रहने का आदेश करते हैं। बलि के द्वारा वचन पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और दैत्यराज बलि को वर मांगने को कहते हैं। इसके बदले में बलि रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लेता है। श्री विष्णु अपने वचन का पालन करते हुए पाताल लोक में राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार करते हैं। चौथे दिन अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भी होती है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। इसे पाड़वा या प्रतिपदा भी कहते हैं। खासकर इस दिन घर के पालतू बैल, गाय, बकरी आदि को अच्छे से स्नान कराकर उन्हें सजाया जाता है। फिर इस दिन घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं। उनका पूजन कर पकवानों का भोग अर्पित किया जाता है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि त्रेता युग में जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव वासियों को गोवर्धन की छांव में सुरक्षित किया। तभी से इस दिन गोवर्धन पूजन की परंपरा भी चली आ रही है। हर खुशी आपके द्वार आए, जो आप मांगे उससे अधिक पाए। गोवर्धन पूजा में कृष्ण गुण गाए, ये त्योहार आपके जीवन में बरकत लाए। इसी शुभकामना के साथ मैं क्षितिजा लेती हूँ आपसे विदा। फिर एक बार आपको मेरी और बीसीएन की संपूर्ण टीम की ओर से बलि प्रतिपदा की ढेर सारी शुभकामनाएं।